80 साल तो आप सिर्फ कमाने में लगे थे, और लास्ट में जब स्टेज बजती है ना तो आपके पास खुशी को एंजॉय करने वाला कोई नहीं रहता, ठीक है? तो आप खुशी को कमाओ मत, वो पैसे से आएगी नहीं। आप अपनी फैमिली को समय दो, उसके साथ एक एक पल को जियो, है ना? क्योंकि आज जो लड़की, हम इन जनरली जो लड़कियां होती हैं तो उनको बोलते हैं कि बेटा बराबरी करनी है लड़कों से, ये करना है, वो करना है, इधर करना। क्यों बराबरी करनी है? हम बराबर हैं, हमें किसी से कोई बराबरी नहीं करनी है। किस चीज़ में बराबरी करनी है? हमको नहीं करनी किसी से बराबरी। हमको सरकार की तरफ से 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, इसलिए नहीं दी जा रही हैं कि हमें लड़कों की बराबरी करनी है। हमें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का 50% गर्ल्स हैं, 50% गर्ल्स हैं। तो अगर हम 50% अगर हम एक हाथ से काम करते हैं और दो हाथ से काम करते हैं तो काम कब ज़्यादा होगा? दो हाथ से काम करने पर। तो अभी हम एक हाथ से काम कर रहे थे, तो गर्ल्स को आगे लाने का उद्देश्य ये है कि हम दोनों हाथों से काम करें, बराबरी की नहीं। दोनों हाथों के बिना काम नहीं चलेगा, ये हाथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये हाथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम ये चीज़ भूल के हम बराबरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस कोशिश में हम क्या करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। हम इतना शॉर्ट्स पहनेंगे तो हम इतना पहनेंगे, क्योंकि लड़के भी पहनते हैं, जब उनको छूट है तो हमको भी होना चाहिए। ये हमारी इन जनरल सोच होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप शॉर्ट्स मत पहनो, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े मत पहनो, बस मैं ये कहती हूँ फिर वही चीज़, सोच चेंज करो। हम जो भी कपड़े पहने इसलिए नहीं पहने कि हमें उनकी बराबरी करनी है, फर्स्ट। सेकंड चीज़, हम अगर कपड़े पहनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ लोग हमको उतने ही अच्छे नज़रिए से देखें। मीन्स अगर आप अपने घर की पार्टी में हो, आप अपने घर में हो, आप इतना सा शॉर्ट्स पहन के घूमते हो, आपका भाई, आपके पिता आपको कभी बुरी नज़र से देखते हैं? नहीं देखते हैं। आप अपनी फैमिली में जाते हो, ग्रुप में जाते हो, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में जाते हो, वो आपको बुरी नज़र से देखते हैं? नहीं। लेकिन जब आप शॉर्ट्स पहन के या ऐसे कोई भी ड्रेस पहन के आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ के लोगों की मेंटलिटी हमें पता ही नहीं है, है ना? एक केस हमारे पास आया तो उस महिला ने बोला कि मैं जब जाती हूँ सड़क पे तो मैं तो कुछ भी पहनती हूँ क्योंकि ये मेरा अधिकार है, ठीक है? मैंने उससे बोला ठीक है, आपका अधिकार है। एक जो केस हुआ रेप का, एक व्यक्ति जिसने उसके संग रेप किया वो तो नहीं जानता ना, उसकी सोच तो डेवलप नहीं है ना। उसने तो ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद उसको लगा कि नहीं मुझे तो लड़की चाहिए, उसने सड़क से जो लड़की पहली निकल रही थी उसको उठा लिया। उसने ये सोचा कि ये अच्छे घर की है, बुरी घर की है, कि ये वैश्यावृत्ति करती है कि नहीं, कि नॉर्मल है कि नहीं, उनकी ये सोचे नहीं होती। उनको तो उनकी एक डिमांड पैदा होती है, जब डिमांड पैदा होती है तो उनको चाहिए, क्योंकि वो शराब पी रहे होते हैं, वो जुआ खेल रहे होते हैं, वो नशा कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं। ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति की सोच तो ख़त्म ही हो जाती है, वो नहीं सोचता अपने। इवन कई केसेस ऐसे देखे, बिल्कुल सिवनी का केस है जो खुद मैंने ही हैंडल किया था, कि उसका खुद के पिता ने उसकी, हाँ हाँ देखिए ये सर हमको बोल रहे हैं शॉर्ट में करिए, हमको 7 बजे का समय दिया था, 7:30 बजे माइक दिया, उसमें भी बोल रहे हैं शॉर्ट में करो, ऐसा होता है क्या? हम तो जागरूकता करने के लिए आए हैं, तो जब तक आपकी जागरूकता नहीं आएगी हम तो छोड़ेंगे नहीं माइक, है ना? ठीक है, मैं अब उसको, हाँ हाँ, अब मैं बस लास्ट ही कर रही हूँ। जो मैंने आपको बताया कि एक जो केस सिवनी वाला हुआ था, उसमें पिता के द्वारा ही माँ बच्चे का रेप किया जा रहा था, लगातार किया जा रहा था, 5 साल 6 साल से लगातार किया जा रहा था। जब ये केस ओपन हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसके जो घर वाले थे, लड़के के घर वाले, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा लड़का ऐसा कर सकता है, है ना? उनका ये कहना था कि जो पत्नी है इसने ही कुछ किया होगा और हमारे लड़के ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ऐसा केस उसके ऊपर लगा दिया। जब उसके घर की तलाशी ली और उसमें वीडियो थे, सिर्फ ना उस बच्ची के साथ, ऐसी बहुत सारी बच्चियों के साथ जिसके साथ वो रह के वीडियो बनाता था, जब ये वीडियो उनको दिखाए तो बोलते कि सर मैं कभी ज़िंदगी में विश्वास नहीं करता अगर ये वीडियो नहीं देखता। तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनकी मेंटलिटी को आप जज कर सकते हो। ये जो बुरी आदतें होती हैं ना, जैसे हम कहते हैं सिर्फ दारू ही तो पीते हैं, सिर्फ यही तो करते हैं, बाकी कोई ऐप नहीं हमारे हस्बैंड में, बोलती हैं महिलाएँ, और कोई ऐप नहीं है। लेकिन ये एक ऐप ना जाने कितने ऐबों को लेके आ रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग जागरूक हुईए, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमारे बेटे क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं। अब मैडम नेक्स्ट सेशन में हम और लंबा जाएंगे, अभी चूंकि समय का